हेलो एवरीवन, एक बार फिर से चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, जो कि है सरिस्का टाइगर रिज़र्व, और ये राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ की जंगल सफारी। तो चलिए अब अपने सफ़र को शुरू करते हैं, और यहाँ हम सुनते हैं कि हमारे गाइड साहब हमें क्या समझा रहे हैं। मोबाइल, पर्स, ये ध्यान रखना, किराम मत देना। दूसरा, रैपर मत फेंकना आप जंगल में, क्योंकि एनिमल है ना, वो स्वार के चक्कर में खा जाता है। गलती की तरह गलता नहीं, अंदर जाने के बाद में रोड आई खराब हो जाता है, एनिमल मर जाता है। डोंट थ्रो एनी रैपर्स आउट ऑफ दिस गन, ओके, ठीक है। और 11 मेल्स हैं, 14 फीमेल्स हैं। वी हैव 43 टाइगर्स विद कब्स। टाइगर के अलावा लेपर्ड है, हाइना है, जैकल है, वाइल्ड बोर है, वाइल्ड कैट, चील का, डियर, दो तरह के डियर है, सामर डियर, स्पॉटेड, ये सब है। लेकिन जो कैट फैमिली टाइगर और लेपर्ड को रेट हो जाती है, लग पे जानों के उनका एनिमल ग्रेजिंग करना अलाउड नहीं होता है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में छूट नहीं होती है। ये पूरे एरिया जो होता है 881 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ जंगल, समझ रहे हो। दूसरा पार्ट बफर एरिया होता है, बफर में क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ कम है, इतना घना जंगल नहीं होता है, टेरिफरी गाँव के लिए होता है, विलेजेज होते हैं, अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। बट द फॉरेस्ट हियर इज सो डेंस दैट इट इज रियली डिफिकल्ट टू स्पॉट एनिमल्स। सफारी शुरू होते ही आपकी एनिमल्स को स्पॉट करने की क्यूरियोसिटी जो होती है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और टाइगर्स और लेपर्ड्स को स्पॉट करना तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंसेस में हमेशा ही काउंट होता है। आप यहाँ पे सफारी का वेदर देखिए, कितना खुला आसमान है और उसके नीचे पूरा घना जंगल। ये सफारी करने का जो मज़ा है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। हिरन की सबसे सुंदर प्रजाति होती है चीतल, और आपको हिरन कई अधिक मात्रा में इन जंगलों में देखने को मिलेंगे। सरिस्का के इन घने जंगलों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कुछ तालाब बनाए गए हैं, जहां ये एनिमल्स रेगुलर पानी पीने आते हैं और आप इनको इजीली देख सकते हैं। जंगल के बीच में जो लेक है, इसमें आप क्रोकोडाइल्स को देखने का मजा उठा सकते हैं, अगर आप लकी हुए तो। और ये है मॉनिटर लिजर्ड, जो जंगल का सबसे कॉमन एनिमल है। हमारी इस कैंटर सफारी में बहुत सारे बच्चे भी थे, और किसी भी एनिमल को स्पॉट करने के टाइम बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एनिमल थोड़ा डर के भाग ही जाता है। घने जंगलों में पहुंच के हमें कुछ अलार्म कॉल सुनाई दी थी, तो हमने यहाँ वेट करना जरूरी समझा। बट जंगल घना होने के कारण हम यहाँ पे एनिमल्स को स्पॉट नहीं कर पाए। छोटे मोटे जानवरों को आप थोड़ा इजीली देख पाते हैं इन जंगलों में, जैसे कि जैकॉल, फॉक्स, मोर, जंगली हिरन और स्पॉटेड डियर्स, ये सब आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे।
इस पूरे जंगल की ग्रीनरी के बीच आपको येलो कलर की बटरफ्लाइज मिलेंगी जो उड़ने में इतनी खूबसूरत लगती हैं और इनको देख के आपका मन एकदम खुश हो जाता है। जंगल के बीच में इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक वेटिंग एरिया है जहाँ सारी कैंटर्स एक साथ रुकती हैं और आप थोड़ा फ्रेशन अप हो सकते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में मैंने ये फर्स्ट टाइम सफारी की और मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जंगल के बीच में आपको ये तालाब देखने को मिलते हैं जहाँ कई सारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं और ये आपकी किस्मत है अगर आप टाइगर्स और लेपर्ड्स को स्पॉट कर पाए तो। हमें यहाँ बहुत सारे हिरनों का झुंड देखने को मिला जो कि यहाँ पे बिल्कुल आराम कर रहे थे। और आगे चल के हमने बहुत सारी जिप्सीज को वेट करते हुए देखा और कुछ अलार्म कॉल्स भी सुनी। हमें लगा शायद हमारी किस्मत अच्छी होगी कि हम अब टाइगर स्पॉट करेंगे। बट वी कुडंट स्पॉट एनी ऑफ द टाइगर्स। सरिस्का में हिरन बहुत ही अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं और आप इनकी कई सारी प्रजातियां देख सकते हैं। सरिस्का फॉरेस्ट में हमने जितने भी हिरन स्पॉट करे हैं वो बिल्कुल ह्यूमन फ्रेंडली हैं और बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। अक्टूबर के महीने में वेदर और नेचर दोनों ही बहुत ही अच्छे होते हैं और आप बहुत ही इजीली सफारी पे जाके अपने सफारी का पूरा लुफ्त उठा सकते हैं और काफ़ी इंजॉयबल है ये सफारी। लेकिन आपको आपको डीप जंगल में लेके आए हैं, देखो कोई पता नहीं है एनिमल कब कहाँ किधर से गिर जाए कोई पता नहीं। सफारीज करने का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि आपके जो गाइड साहब होते हैं आपको पूरे रास्ते कोई ना कोई स्टोरीज बताते हुए चलते हैं और आपका इंटरेस्ट मेंटेन करते हैं कि अब आपको टाइगर दिखेगा या लेपर्ड दिखेगा। इफ यू आर लकी इनफ सो यू विल डेफिनेटली स्पॉट सम टाइगर्स और लेपर्ड्स और एनी वाइल्ड एनिमल्स जिनको देखने की क्यूरियोसिटी आपको जंगल का नाम आते ही आती है। So this was a small effort just to show you all that how the Sariska Tiger Reserve Safari looks like. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये मौका मिलता है सरिस्का टाइगर रिजर्व की सफारी करने का तो आप उसे बिल्कुल भी मिस मत करिए बिकॉज ये सफारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Please do like, share and subscribe to my channel. Thanks to all the viewers for all the motivation. Thanks a lot.